ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी रात के 12:15 बजे हैं, 27 तारीख शुरू हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिमी फिल्म को देखकर कंप्लीट किया, कृति सेनन की नई फिल्म, जिसे आज मतलब कल 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स इंडिया पर, सॉरी नेटफ्लिक्स इंडिया नहीं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। वैसे फिल्म 30 तारीख को रिलीज होने वाली थी पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बताया गया कि फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई, इस कारण से जल्दी रिलीज कर दिया है। और दूसरे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बताया गया, और पंकज त्रिपाठी जी ने भी एक वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पर कि भाई 27 तारीख को यानी आज कीर्ति सेनन का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके और दिनेश विजन जो मैडॉक फिल्म्स के जो ओनर है, जिन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, उनका भी जन्मदिवस है। अब उनका जन्मदिवस आज है या कल है पता नहीं, पर हाँ उन दोनों के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम जल्दी रिलीज कर रहे हैं, ऐसा पंकज त्रिपाठी जी ने बताया। सच्चाई क्या है पता नहीं, ऑनलाइन लीक हो गई नहीं हुई पता नहीं। वैसे ऑनलाइन लीक कैसे हो गई है मैं समझ नहीं पाया। मतलब ठीक है, अगर थिएटर में फिल्म रिलीज होती है तो कोई शूट वगैरह करके कैमरा से लीक कर दे वो एक अलग बात है भाई, पर भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म रिलीज होने वाली थी और वो कैसे ऑनलाइन लीक हो सकती है पता नहीं। जो भी हो, मैंने थोड़ी देर पहले फिल्म को देखकर कंप्लीट किया और फिल्म देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया आप सबके साथ बात करने के लिए। मतलब मैं रुक जाऊं, मैटर लिखूं, फिर रात को देर हो जाए, फिर मैं सो जाऊं या कल वीडियो बनाऊं, इतना मुझसे रहा नहीं गया। मैं जैसे ही फिल्म मैंने कंप्लीट की वैसे ही तुरंत कैमरा सेटअप पूरा करके मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठ गया, क्योंकि कई दिनों के बाद मैं सीरियसली किसी बॉलीवुड फिल्म की प्रशंसा करने वाला हूँ, वो भी पूरे हृदय से। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। मुझे पता नहीं पिछली बार मैंने कब किसी बॉलीवुड फिल्म की प्रशंसा की थी, की भी थी या नहीं की थी। हाँ, कुछ रामप्रसाद की तेरहवीं वगैरह ऐसी कुछ एक दो फिल्मों की प्रशंसा की थी, पर सच में आज मैंने इस फिल्म को जितना इंजॉय किया ना, जितना मुझे ये फिल्म पसंद आई, जितना इस फिल्म ने मुझे भावुक किया, कई सारे इमोशंस एक साथ से अंदर से निकले, वो मैं आप सबको बता नहीं सकता शब्दों में। सच में मैंने फिल्म को, मुझे ये फिल्म बहुत 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 पसंद आई हर प्रकार से। जिस प्रकार से फिल्म की कहानी है, जो मैसेज है, जो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स के पीछे के जो इमोशंस थे, जिस प्रकार से उन्हें लिखा गया है, जो सामाजिक चित्रण जिस प्रकार से किया गया है, हर एक बात हमारे हृदय को छूती है इस फिल्म की। और पता है मतलब बॉलीवुड की फिल्म देखने से पहले ही ना, और खास तौर पर जब नेटफ्लिक्स इंडिया पर फिल्म रिलीज हो रही हो, तो सबसे पहले तो इतना परेशान हो जाता हूँ ना मैं, मतलब ऐसे घिन आती है अंदर से, यार नेटफ्लिक्स इंडिया पर फिल्म रिलीज हो रही है और उसे देखना है, अंदर से सच में डिसगस्टेड फील करता हूँ मैं वो फिल्म देख, वो नेटफ्लिक्स इंडिया का नाम सुनकर ही घिन आती है अंदर से। पर हाँ आज ये फिल्म मैंने देखी और एकदम ही उल्टा एक्सपीरियंस था, एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था। वैसे ये कोई नेटफ्लिक्स इंडिया की अलग से फिल्म नहीं है, जियो सिनेमा पर भी इसे रिलीज किया गया है और शायद इसी कारण से इसमें कुछ बहुत प्रोपेगेंडा वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। फिल्म में हमें नॉर्मल लोग दिखाई देते हैं, आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग, जिनके पास में बुद्धि है, समझ है, हृदय है, भावनाएं हैं, इमोशंस है, आपके हमारे तरफ बोलते हैं, चलते हैं, ऐसे आम लोग, नॉर्मल लोग फिल्म में हमें दिखाई देते हैं। और ये कितने आश्चर्य की बात है, इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है कि भाई बॉलीवुड की फिल्म में भारत के लोगों को नॉर्मल दिखाया जाए, आम लोग दिखाए जाए, उनमें इमोशंस हो, भावनाएं हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। हम लोग तो भाई पेट्रियार्कल सोच वाले दरिंदे हैं, मॉन्स्टर्स हैं, हम तो बस बच्चियों को पटक पटक कर मारते हैं, हम तो दरिंदे होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं, हम में तो कोई भावनाएं इमोशंस होती ही नहीं है, समझ होती ही नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है आप देखिए दोस्तों, कि आज हम भारत में रहते हैं, भारत में ही जो एक इंडस्ट्री, एक फिल्म इंडस्ट्री जो अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहलवाती है, उस फिल्म इंडस्ट्री में उस फिल्म इंडस्ट्री की ज्यादातर फिल्मों के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते, और उस फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई फिल्म में अगर आम लोग दिखाई देते हैं हमारी तरह, आपकी हमारी तरह, तो हमें आश्चर्य होता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है पर यही सच्चाई है। पर जो भी हो, इस फिल्म में शुरुआत का जो फर्स्ट हाफ है ना, वहां पर क्या कहूँ, उतना शायद फिल्म हमें हंसाती नहीं है, थोड़ा सा एक बेस तैयार करने के लिए थोड़ा फिल्म समय लेती है, पर फर्स्ट हाफ के बाद ना क्या कहूँ, मैं इतना हंसा हूँ फिल्म में, इतना हंसा हूँ, और वो भी कोई भी जोक आपको या जो भी फनी सीन्स वगैरह थे, कहीं पर भी आपको रिपीटेड कोई बातें नहीं लगेंगी,
एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशनल ह्यूमर हम उसको कह सकते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल था। और जहां पर वो ट्रेलर में भी आपने वो सीन देखा होगा, मैं कोई स्पॉयलर्स वगैरह आपको नहीं देने वाला, आपको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर खराब नहीं करने वाला, पर ट्रेलर में आपने वो सीन देखा होगा, देखिए, जहां पर जो मिमी का कैरेक्टर है कृति सेनन का, वो पूरा जब कंफ्यूज हो जाती है, उसके माता पिता पूछते हैं कि किसका बच्चा है बता, तो वो एकदम हड़बड़ी में आकर पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की तरफ हाथ कर देती है। उस सीन के पहले तक ना, वहां तक जो जब उसके माता पिता पूछ रहे होते हैं, वहां से पहले तक वो सीन बहुत इमोशनल था, पर एकदम से जब वो पंकज त्रिपाठी की तरफ, उनके कैरेक्टर की तरफ हाथ करती है, एकदम से टोन चेंज होता है, हो जाता है उस सीन का, और मैं अंदर से एकदम से हंसी निकल आई। उतना इमोशनल सीन था, पर एकदम से अंदर से हंसी निकल आई, और उसके बाद से आखिर तक फिल्म बस हंसा रही थी, और हंसा भी रही थी, और आखिर में एंडिंग में जाकर एक बहुत ही सुंदर सा फिल्म मैसेज भी देती है। सरोगसी की डार्क साइड फिल्म में दिखाई गई है, मातृत्व का सही अर्थ क्या होता है, एक माँ बनने का, माँ का, मातृत्व का, उसका सही अर्थ ये फिल्म समझाने का प्रयास करती है। और जो भी फिल्म के एंडिंग में मैसेज था, वो तो आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, मैं कोई स्पॉयलर्स आपको नहीं दूंगा। बस इतना बताऊंगा कि 2011 की मराठी फिल्म, राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी मराठी फिल्म माला आई व्हाइट्स है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे माँ बनना है, इस मराठी फिल्म का 2011 की ये ऑफिशियल रीमेक है माला आई व्हाइट्स है का। इसका 2013 में तेलुगु भाषा में भी रीमेक बन चुका है, वेलकम ओबामा नाम से, तो उसी का ही ये रीमेक है। ऑब्वियसली ये कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं है, नहीं है बॉलीवुड की, मतलब बॉलीवुड से ओरिजिनल फिल्म आए और उस ओरिजिनल फिल्म में नॉर्मल लोग, आम लोग दिखाई दे, जिनके पास में बुद्धि हो, समझ हो, भावनाएं हो, इमोशंस हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इस फिल्म में भी आम लोग इसलिए दिखाई देते हैं कि भाई 2011 की मराठी फिल्म का रीमेक है। चलिए जो भी हो, पर फिल्म देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वो देखिए, गोविंदा जी की एक फिल्म थी जिस देश में गंगा रहता है, उस फिल्म की मुझे याद आ गई इस फिल्म को देखते हुए, क्योंकि काफी जो एक बेसिक टोन हम जिसको कह सकते हैं ना, वो थोड़ा सा सिमिलर था, हालांकि कहानी वगैरह पूरा अलग है, पर एक जो याद आ जाती है, अब क्यों आती है वो आप फिल्म में देखिए। पर वहां पर देखिए, एक अमीर घर के माता पिता होते हैं, उन्हें एक बच्चा होता है और वो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसा डॉक्टर बताते हैं जिस देश में गंगा है, कि मैं कहानी बता रहा हूँ, और वो कहते हैं कि भाई बच्चे को गाँव के वातावरण में अगर रखा जाए, भेड़ बकरी गौओं के आदि के बीच में, गायों के आदि के बीच में, तो वहां पर बच्चा अच्छे स्वास्थ्य उसका वो जी सकता है। तो वो जो अमीर माता पिता शहर में रहने वाले हैं, वो उस बच्चे को गांव में भेड़ वगैरह चराने वाले के पास में वहां पर छोड़ देते हैं कि भाई ये हमारी अमानत है, आप संभालो इसे, बाद में हम ले जाएंगे। फिर कई वर्षों के बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, गोविंदा का कैरेक्टर, तब वो शहर से उसके जो असली माता पिता है वो उसे लेने के लिए आते हैं, और ऑब्वियसली वहाँ पर वो जा नहीं, अपने जिन माता पिता के यहाँ पर वो पला बड़ा है, उन्हें छोड़ने की उसे इच्छा नहीं थी, पर उसे जाना पड़ता है जो भी है, कि उन्होंने भी वचन दिया होता है कि हम देंगे वापस। तो वो जब शहर में आता है ना, तो शहर में वो जो परिवार है, उस परिवार के जो कैरेक्टर से वो बस एक वेस्टर्न कल्चर की तरह जीते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरह जी रहे होते हैं, अपने आप को बहुत लिबरल मानते हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों वाला उनको दिखाया गया है, कुल मिलाकर भौतिकता के पीछे पूरे भागने वाले वो कैरेक्टर्स हैं। तो ये गांव से गया हुआ बंदा वहां पर जब जाता है ना, तो वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता उन सबके बीच में, वो गांव में इतना सीधा सादा भोला स्वभाव उसका होता है, और वहां जब वो जाता है तो वो ये सब लोग जब देखते हैं कि यार कितने भौतिकता के लोग ये पीछे भागे हुए हैं, छोटी छोटी बातों में, जो भी है आप समझ जाइए। तो कुल मिलाकर ऐसी जो लाइफस्टाइल है, अपने आप को बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव वगैरह मानने वाले लोग, उनकी भौतिकता के पीछे भागने वाले लोगों की जो ओछी छोटी मानसिकता होती है, उसके एक डार्क साइड हमें दिखाई गई है, जो कि आजकल हमें फिल्मों में देखने को नहीं मिलती। आजकल तो इससे बिल्कुल अपोजिट समाज का चित्रण किया जाता है, ऐसी सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है, और जो लोग भाई अपने ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, उनको मॉन्स्टर दिखाया जाता है, दरिंदा दिखाया जाता है, शैतान दिखाया जाता है, पेट्रियार्कल, घिनौनी पेट्रियार्कल सोच वाले, ऑर्थोडॉक्स रिग्रेसिव उनको दिखाया जाता है। पर हाँ, जिस देश में गंगा रहता है, उस समय तक भी भारत में कुछ सेंसिबल फिल्म्स बनती थी, और वो उन्हीं में से एक सेंसिबल फिल्म है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टेक्निकली बहुत वेल मेड फिल्म है वगैरह, नहीं, टेक्निकली उतनी कुछ बढ़िया हम उसे नहीं कह सकते, पर हाँ, फिल्म का जो भावना थी ना, बेसिक, वो अच्छी थी, मूल भावना फिल्म की अच्छी थी। और वैसे भी जो लोग अपने रूट्स से, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, वो तो भाई
कहाँ वो थोड़ी ना इतनी टेक्निकली वेल मेड फिल्में वगैरह बना सकते हैं कि भाई सटल वे में प्रभु श्री रामचंद्र जी या भगवान श्री कृष्ण की हत्या होते हुए दिखाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए। इतने टेक्निकली बेटर वे में, सटल वे में मैसेज देने जैसी उतनी उतने तो भाई इतने ज़्यादा अति बुद्धिमान वो नहीं होते हैं। ऐसे अति बुद्धिमान तो लिबरल्स ही हो सकते हैं, जो भी हो। पर उस फिल्म की मुझे याद आ गई थी यहाँ पर देखकर। और यहाँ पर भी ये जो परिवार है मिमी के, जो माता पिता है, काफ़ी मतलब कई सारी बातें ऐसी है फिल्म में जहाँ पर वो दुखी होते हैं, अपनी बेटी पर गुस्सा करते हैं, पर वो समझते हैं, अपनी बेटी की भी बात को समझते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जो भी उससे गलती होती है तो वो गुस्सा भी करते हैं, डांटते भी है, पर दूसरे ही समय वो अपनी बेटी को सपोर्ट भी करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। और यही एक आम भारतीय भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना, आपके हमारे माता पिता जो हम गाँव में अपने परिवारों में देखते हैं। तो यहाँ पर भी वो परिवार बिल्कुल इसी प्रकार का दिखाया गया है जिनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। चलिए, वही वही बातें रिपीट करने में भी कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, फिल्म के सॉन्ग्स बहुत बढ़िया थे। उड़ जा चिरैया, या सॉरी मैं वो गाना भूल गया, जो भी एक मिनट में लैपटॉप में देख कर बताता हूँ, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। फिल्म के सॉन्ग्स, म्यूजिक सच में बहुत बढ़िया था। छोटी सी चिरैया काफ़ी प्यारा गाना था, कैलाश खेर जी ने गाया हुआ है। अच्छा, मैं तो अभी पता चला। फिल्म के गाने बढ़िया थे, परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। पंकज त्रिपाठी जी बहुत हंसाते हैं हमें यहाँ पर। और वो जो सीन मैंने आपको बताया ना, जब उसकी तरफ कृति सेनन का कैरेक्टर मिमी हाथ करती है, वो सीन बहुत बढ़िया था। उसके अलावा सई तमनकर का परफॉर्मेंस, और कृति सेनन भी पता, मतलब मैं सच कहता हूँ, कृति सेनन का परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आया। और ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था कृति सेनन का। और आज कृति सेनन का ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे अंदर से लगा कि हाँ, वे माता सीता का पात्र निभा सकती है आदि पुरुष फिल्म में। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपको जो मिला है, इतनी बड़ी फिल्म में माता सीता का पात्र आप निभाने जा रही है, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि उस पात्र की जो गरिमा है, मर्यादा है, उसका आप सम्मान करना। जब आपके हृदय में, स्वयं के हृदय में उस पात्र के प्रति श्रद्धा होगी, भाव होगा, तभी आप सही मायने में उस पात्र को न्याय दे सकती हैं। बाकी मिमी ये फिल्म मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। आप बिना किसी संकोच के अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में मिमी का जो परिवार है, पंकज त्रिपाठी जी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो पत्नी है, माँ है, इन सभी पात्रों को देखकर आपको एक अपनापन अनुभव होगा। और फिल्म में जो जिस प्रकार से मिले जुले समाज का चित्रण जो किया है ना, वो बात मुझे बहुत पसंद आई। जैसे कि मिमी की जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है शमा, मुस्लिम समुदाय से उसे दिखाया है, पर दोनों ही आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और मिमी का जो परिवार है, मिमी के जो पिता है वे संगीत सिखाते हैं, और शमा उनकी शिष्य है। शमा का जो बेटा है अल्ताफ, सॉरी आतिफ उसका नाम था, वो भी मिमी के पिता से ही संगीत की शिक्षा ले रहा है। तो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और साथ में ही शमा को ट्रिपल तलाक के कारण उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो अकेली रहती है, ऐसी कई सारी बातें फिल्म में दिखाई गई है। कुल मिलाकर फिल्म आप मैं आप सभी को ये फिल्म स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मैं मिमी को दूंगा 9 out of 10 stars। बाकी पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है। बस सरोगसी के बारे में और गर्भपात के विषय के बारे में थोड़ी सी उन्होंने चर्चा की हुई है। तो आप पूरे परिवार के साथ बिल्कुल फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।